मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज हम आए हुए हैं मनाली, फ्रॉम दिल्ली टू मनाली। एंड यहाँ मैं अपने हस्बैंड एंड कुछ दो दोस्तों के साथ आई हुई हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग लाइक 5 डेज के लिए आए हैं। एंड वी आर स्टेइंग एट ओल्ड मनाली। हमारा रिजॉर्ट है वो मतलब पहाड़ों के बीच में सिचुएटेड है। सो लुक एट द व्यू। वी आर हैविंग अ टी एंड हियर इज द गाय। से हाय। हाय। सो आज हम कहाँ जाएंगे बेब? हम जाएंगे शिशु वैली। शिशु वैली। सो वी जस्ट केम हियर टू हैव अ ब्रेकफास्ट एंड नाउ गोइंग बैक। बेसिकली हमने जो है स्कूटी रेंट करी है क्योंकि गाड़ी से शिशु विलेज जाना मतलब काफ़ी रश है एंड काफ़ी ट्रैफिक है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आज का दिन हमारा मतलब काफ़ी ट्रैवलिंग में चला जाएगा। एक्चुअली कल भी हम बहुत थक चुके हैं गाड़ी में बैठे बैठे, तो डैट इज़ वाई ऑल्सो हमने स्कूटी रेंट किया। सो नाउ अब हम जाएंगे शिशु विलेज। चले बेब। हमारे फ्रेंड्स जो पीछे बैठे हुए हैं। अभी हम बीच में रुके हुए हैं। हम एक्चुअली शिशु विलेज जा रहे हैं एंड बीच में जो है अटल टनल अभी आएगा। सो अभी अटल टनल क्रॉस करते हुए हम शिशु विलेज जाएंगे। सी दिस इज अटल टनल रोहतांग एंड ये कुछ 10,000 फीट की टनल है, तो डैट इज़ वाई अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाय फाय। ये है बन छोले। कितने किलोमीटर है? 9। उसके आगे आपको 4 किलोमीटर। उसके आगे 4 किलोमीटर। अटल टनल था वो कुछ 9-9.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था एंड बहुत ही बड़ा था। एंड जब हम अंदर घुसे ना तो इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड कुल्फी जम गई लिटरली। एंड बीच में ठीक हो गया था एंड फिर जब वापस हम बाहर की तरफ आए वापस से फिर से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। पहुँच चुके हैं शिशु विलेज एंड यहाँ पे जो है शिशु लेक है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड एक शिशु वाटरफॉल है जो हम दोनों एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो अभी जो है हम शिशु लेक के पास आए हैं। सी जहाँ पे बोटिंग वगैरह कर सकते हो आप। तो ये है रॉकेट बंजिंग एंड इसके जो चार्जेस हैं वो है 300 पर पर्सन। एंड ये जो है जिप लाइनिंग जहाँ हमने भी टिकट्स लिए है 800 में 4 पीपल एंड ये लोग अभी नेगोशिएट कर रहे हैं, आई थिंक 800 में ही होगा। एंड यहाँ से फिर हम जाएंगे यहाँ पे हम लोग कहीं पर उतारेंगे एंड देन हम ट्रैक करके जाएंगे वहाँ जो वाटरफॉल है शिशु वाटरफॉल वहाँ पर जाएंगे। अभी हम जो है जिप लाइनिंग से इस साइड आ गए रिवर के एंड नाउ अब हम ट्रैक करेंगे एंड ट्रैक करके हम जाएंगे शिशु वाटरफॉल। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है। जय माता दी। जय माता दी।
हालत खराब हो गई। आधे घंटे का टैग है लेकिन बहुत टायरिंग है, मतलब थक गए बहुत बुरे तरीके से। और अभी हमें थोड़ी सी और आगे जाना है, बस हम पहुंचने वाले हैं वाटरफॉल पे। एंड बहुत ही ऊंचाई पे आ चुके हैं, यहाँ पे खड़े हैं। एक्चुअली ट्रैकिंग टफ नहीं है, टफ है हमारे हालात। जून के महीने में इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, ठंडी हवा, बर्फ का गोला बन चुका है। कुछ यहाँ बैठे हमारे दोस्त, मेरा हाथ यहाँ और हम बैठे हैं। सो हम बैठ गए हैं रास्ते पे एंड नज़ारों के आनंद ले जा रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं, वो हमसे ऊपर गए थे, बट क्या फ़ायदा हुआ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या फ़ायदा हुआ हमसे एक स्टेप जाके ऊपर। नहीं यार, हर एक स्टेप पे ना बहुत अच्छा, बहुत अलग अलग आवाज़। मतलब यहाँ देखो, तुम्हें ये पूरा नहीं दिख रहा, वहाँ से पूरा दिख रहा था। हाँ उधर तो आ रहा है, वहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है ना अभी। जब हम ऊपर गए थे तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, ठीक है, और हमने ना मतलब लाइक पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी करी एंड हम ऊपर चले गए। एंड जब हम वापस आए तो क्या हुआ, हमारी जो स्कूटी दिख रही है यहाँ पे, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लाइन से खड़ी थी, वो सारी गाड़ियाँ जा चुकी है, हमारी अकेली स्कूटी यहाँ पे खड़ी है। एंड लुक एट दिस ग्रुप, दे आर जस्ट एंजॉयिंग द हिमाचली डांस। डन विद जिप लाइनिंग एंड सिसु वाटरफॉल एंड सिसु लेक, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू द ओल्ड मनाली, बट इट वॉज रियली अ फन एक्सपीरियंस विद जिप लाइनिंग। सो